हम आपका www.govanashwar.org में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे घी के विषय में। आप मार्केट में अनेक प्रकार के घी को देखते होंगे, किंतु जो रियल घी है या रियल घी है, तो रियल घी क्यों है? क्योंकि यह जो है वो भारतीय नस्ल की गिर गाय, उस गिर गाय के दूध से बनाया गया है। तो आप कहोगे बहुत सारी देसी नस्ल की गिर गाय हैं या अन्य प्रकार की कांग्रेज है, राठी है, अनेक गाय है, किंतु हम जो इस घी को बनाते हैं वो गाय, जिस गाय का दूध इस घी में उपयोग करते हैं, वो गाय चरने के लिए रोजाना 7 किलोमीटर दूर जाती है। हमारा अपना खुद का गोचर भूमि है, 700 बीघा जमीन, उसमें गाय चरने जाती है। जहाँ जब गाय चरती है तो वहाँ बारिश के मौसम में जो घास होती है वो घास लगभग 6 मिनट तक चलती है गाय को चरने के लिए, और वो घास पूर्णतया जड़ी बूटियाँ ही है, वो औषधि है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का यूरिया, DAP या किसी प्रकार का पॉइजनस पेस्टिसाइड हमने नहीं यूज़ किया, क्योंकि भगवान जो बारिश बरसाते हैं उसी बारिश से वो घास उगती है और गाय बड़े आनंद से खाती है। अब इतना उनको चलना, गाय को 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर चलना, तो स्वाभाविक डाइजेशन हो जाएगा और नेचुरल फूड मिल रहा है उसको, हरी हरी घास मिल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो गाय का दूध कैसा होगा। और हमारा अपना जमीन भी है जहाँ हम अपनी गायों के लिए घास बाहर से नहीं खरीदते, खुद ही उगाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड यूरिया ये भी यूज नहीं करते। तो हमारी गाय केवल ऑर्गेनिक फूड खाती है। और बात यह है कि गाय की ब्रीड बहुत प्योर है। ये हमारी जो गौशाला है वो एक राजा की है, ये राजकोट जिले का जसदन तालुका है, वहां पर पूर्व समय में राजा हुआ करते थे। 300 साल पुरानी ये ब्रीड है, ये जो गाय है बहुत पुरानी है और वो परंपरा से चली आ रही है। तो एक तो प्योर ब्रीड है और दूसरा है जो उसका भोजन है वो भी प्योर है। और कहा जाता है कि जब गाय धूप में चलती है तो गाय के ऊपर आप देखे होंगे, यहाँ पर गाय के ऊपर एक ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम, और हम बोलते हैं कुंद। ये कुंद बना हुआ है, सूर्य की किरणों इस कुंद पर पड़ते हैं तो गाय के कुंद में सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा गाय सूर्य के किरणों को ऑब्जर्व करके अपने बॉडी के अंदर ले लेती है। और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सूर्य केतु नाड़ी बनी हुई, उस नाड़ी में जब पास होती है तो उससे हम बोलते हैं स्वर्ण भस्म बनता है। आप देखें ये गाय का घी है कितना पीला है, ये पीलापन क्या है, ये स्वर्ण है। आप बाजार में कई प्रकार के स्वर्ण भस्म लेकर खाते हैं रोग दूर करने के लिए, मगर गाय के घी के अंदर भगवान ने दिया हुआ है, इसको कैरोटीन भी कहते हैं इंग्लिश, जो साइंटिफिक भाषा में कैरोटीन कहा जाता है। कैरोटीन मतलब क्या है कि जो हम हमारी आँख का जो पानी है रेटिना, रेटिना जो लाइट देने वाला चीज है उसको कैरोटीन बोलते हैं। तो आंखों को अगर ठीक रखना है, हमारी आंखों को हमेशा ठीक बनाना है, तो इसको घी को यूज करना है, तो ये कैरोटीन देता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, जैसे कि खास करके लोगों को पैरों में ये जो यहाँ बना हुआ है जॉइंट, जॉइंट के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट बोलते हैं, ऑयल जो होता है उसके अंदर जो लुब्रिकेंट होता है वो लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग खड़े खड़े ठंडा पानी, फ्रिज का पानी वगैरह सेवन करते हैं, उससे ये समस्या बड़ी उम्र में आती है। यदि आप इस दूध, इस घी को एक ग्लास दूध में, शाम को एक गिलास दूध में एक चम्मच डाल करके उसको भिलाइए, एक गिलास में से दूसरे गिलास में 15 बार, और फिर उस मिक्स किया हुआ दूध को आप पी लेंगे तो आपकी सारी समस्या चली जाएगी। और ब्रेन संबंधित तो कई रोगों में ये काम आता है, और भी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम में ये सबसे आशीर्वाद रूप है। कई बड़े बड़े ऐसे वैद्य हैं जो हार्ट के लिए केवल गाय का घी रेकमेंड करते हैं, जिससे कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है, गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण नहीं है। और ये मेन बात है, ये बनता कैसे है, ये घी अति महत्वपूर्ण, इसको रियल क्यों कहा गया है, कैसे बनता है? तो ये जो घी है, दूध हम कलेक्ट करते हैं, आपको बताया कि जैसे जड़ी बूटियां जो गाय खाती है उससे हम दूध कलेक्ट करते हैं। अब दूध को कलेक्ट करने के बाद उस दूध को हम उबाल देते हैं, बड़े 80 डिग्री सेल्सियस में ऊपर उबालते हैं। क्यों?
क्यों बार में कई बार क्या होता है कि हमारे अनजाने अनजाने में गाय में कई रोग होते हैं, फिर भी हमारे जो गाय है, जो हमारा हर्ड है, हमारी गौशाला है, उन गाय को समय समय पर टीके लगाते हैं। उसमें अनेक बीमारियाँ होती है, ट्यूबरक्लोसिस है, फिर ये स्तनों में एक प्रकार का बीमारी, जिसको स्तनों में बीमारी होती है, फिर उसको खर अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है, सारी बीमारियों के लिए अलग अलग उसको टाइम टाइम पर टीके दिए जाते हैं। फिर भी हम सावधानी के रूप में गाय को दूध को उबाल करके जब वो ठंडा पड़ता है तो उसमें जामन डाल देते हैं, जिसको कल्चर बोलते हैं, जामन डाल देते हैं, रात भर रहते हैं, सुबह में वो दही बन जाता है। जब वो दही बन जाता है तो उस दही को मिट्टी की बड़ी गोड़ी में, मिट्टी का बड़ा बर्तन रहे, उसमें डाल करके लकड़ी की मंथनी से दो लोग आमने सामने खड़े रह करके हाथ से चयन करते हैं, हाथ से चयन करते हैं, और वो चर्निंग जो होता है उसमें से जो मक्खन निकलता है उसी मक्खन को इस घी के लिए बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि हाथ से क्यों चयन करना, भैया टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हुई है कि मोटर से भी